मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में डोल ग्यारस के अवसर पर बाबा महाकाल के सेनापति भगवान काल भैरव नगर भ्रमण पर निकले। पूजन अभिषेक के बाद फूलों की पालकी में विराजमान कर निकाली गई शोभा यात्रा। इससे पूर्व कलेक्टर शशांक मिश्रा ने मदिरा का भोग लगाकर आरती उतारी और पालकी को कंधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर, एडिशनल SP रूपेश द्विवेदी, विधायक रामलाल मालवीय मौजूद थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पालकी पहुंचने पर सशस्त्र बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पालकी का केंद्रीय जेल के मुख्य द्वार पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जेल अधीक्षक ने भी पालकी का पूजन किया। इसके बाद सवारी सिद्धवट पहुंची, जहां पुण्य सलीला मां शिप्रा के पावन जल से पूजन अर्चन कर सवारी पुनः मंदिर पहुंची। डोल ग्यारस के अवसर पर आज रात्रि में मंदिर में संध्या आरती के समय दीप मल्लिका प्रज्वलित की जाएगी। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। ये सिंधिया राजवंशी की परंपरा है के डोल ग्यारस को और भैरव अष्टमी को वहाँ से जो पगड़ी आती है वो जो वो पगड़ी उसको बदलते हैं, वो नई पगड़ी धारण कराते हैं। तो इस परंपराओं की तरफ से सिंधिया परिवार की तरफ से हर वर्ष दो पगड़ी काल भैरव को चढ़ाने के लिए भेजी जाती है, जो आज एक तो भाद्रपद की डोल ग्यारस को और एक महाअष्टमी भैरव अष्टमी आती है उस दिन बाबा को अर्पण करी जाती है। उसके बाद ही बाबा फिर जो उनका भ्रमण का प्रोग्राम है नई पगड़ी धारण करके बाबा नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ये लगभग परंपरा कम से कम 200 से अकबर के शासनकाल के समय से चली आ रही है। जब महाराज ने अकबर की सेना को पराजित किया था तब से ही उन्होंने मानता मानी थी कि मैं आपके आशीर्वाद से ही मैंने ये विजय प्राप्त करी है, तो ये मेरी पगड़ी है, ये आपको अर्पण है। तब तो सिंधिया परिवार की पगड़ी भगवान को काल भैरव जो महाकाल के सेनापति है उनको अर्पण की जाती है। भगवान काल भैरव कहलाते हैं शिव के सेनापति। जैसे महाकाल की 5 सवारी निकलती है सावन की, ऐसे आखिरी सवारी काल भैरव की निकलती है कि बाबा के सेनापति कहलाते हैं काल भैरव। जैसे देखते हैं काल भैरव मंदिर है, यहाँ की सवारी निकल के गाँव में जाएगी, जेल के सभी लोग पूजा करेंगे, जितने भी श्रद्धालु होते हैं जेल के अंदर वो लोग पूजा करते हैं, ये बाबा की एक झलक लेने के लिए उनके भी काल कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके बाद गांव में नगर पूजा भ्रमण करके सिन्नत पे इनकी महाआरती होती है काल भैरव की, वहां से काल भैरव वापस स्थान ग्रहण करते हैं अपना। और आगे क्या होता है और कभी सवारी का महत्व और पगड़ी कहां से है? पगड़ी ग्वालियर स्टेट की आती है। ग्वालियर स्टेट का जो भी एक व्यक्ति होता है माधव सिंधिया परिवार का, यहाँ आके बाबा की पगड़ी चढ़ाते हैं, पगड़ी उनके यहाँ पहनी जाती है, अब बाबा को उन्हें उपस्थित करती पगड़ी। कैदियों के लिए एक झलक ताने के लिए कैदी लोग सभी लोग उपस्थित रहते हैं ऊपर बाबा के छुटकारा पाने के लिए, मतलब के बाबा जल्दी हमको छुड़ा दें बाबा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।